Hi mommies and daddies, welcome back to Momcom India. Baby carriers one of the most used items में आते हैं when it comes to what new parents use. मैंने अपने दोनों ही बच्चों के साथ baby carriers use किए हैं. In fact, अपनी बेटी के साथ अभी ज़्यादा कर रही हूँ because she loves being in a baby carrier. आपके मन में baby carriers से related काफ़ी सारे questions हैं जिनको आज मैं answer करने वाली हूँ. So let's get started. So, जब आप लोग मेरे डे इन अ लाइफ व्लॉग्स देखते हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सा कैरियर यूज़ कर रहे हो, ये कहाँ से मिलेगा, आपने इसको पर्टिकुलरली क्यों चूज़ किया. सो गाइज, जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो है लवलैब ब्रांड का. इसका नाम है अडोर 3-in-1 बेबी कैरियर, जो आपको बहुत ईजिली अमेजोन पर मिल जाएगा. इसकी रेटिंग्स भी बहुत ही अच्छी हैं. नूर अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स की है, तो ये जो बेबी कैरियर है ये 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के बच्चों के लिए बिल्कुल एप्ट है. इसका जो वेट ये ले सकता है वो 6 केजी से लेके अप टू 18 केजी तक ये वेट ले सकता है, तो ये मेरा काफ़ी लंबा चल जाने वाला है. मुझे इस कैरियर की खास बात ये लगी, नंबर वन, ये बहुत ही लाइट वेट है. तो आप अपने ऊपर कैरियर वेयर कर रहे हो, फिर बेबी को वेयर कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं वेयर करना चाहते, तो यू वॉन्ट समथिंग विच इज़ वेरी लाइट, तो ये वो काम करता है. दूसरा, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक से बना हुआ है, बहुत ही स्किन फ्रेंडली फैब्रिक है ये. देखो, इतनी देर बच्चे ने इसमें रहना है, आपने इसको वेयर करना है, यू डोंट वॉन्ट समथिंग जो स्वेट करे या जो रैशेस क्रिएट करे या जिसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, बच्चे को बहुत गर्मी लगे. सो दैट मीन्स मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत स्किन फ्रेंडली है. इसको पहनना बहुत ही आसान है. यू नो, नॉर्मली बेबी कैरियर्स में प्रॉब्लम होती है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है कैरियर को वेयर करने में, एंड यू डोंट वॉन्ट दैट बिकॉज कई बार आप बिल्कुल अकेले होते हो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू वेयर द बेबी एंड गो, या आप घर में भी बेबी के साथ बेबी कैरियर में घूमना चाहते हो, तो यू वॉन्ट समथिंग जो आप खुद ही पहन लो. सो दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी क्विक टू वेयर दैट वेज. एंड गेस वॉट, इसमें पॉकेट्स दी गई हैं फॉर स्टोरेज. सो सपोज आप बेबी को लेके पार्क गए हो, आप कोई टीदर कैरी करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर चीज आप रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्टोरेज में रख सकते हो. इसमें 3 सेफ्टी बेल्ट दी गई हैं, तो आप उसको बकल कर लेते हो तो यू आर श्योर कि आपका बेबी बिल्कुल सेफ है. आप इसे 3 डिफरेंट वेज में वेयर कर सकते हो. आप बेबी को इनसाइड फेसिंग बिठा सकते हो, अगर मान लीजिए बेबी सो रहा है तो इट्स नाइस कि आपने बेबी को बिल्कुल अपने चेस्ट से लगा लिया. आप इसे आउटसाइड फेसिंग कर सकते हो, जो नूर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है, और आप इसे पिगी बैक पोजिशन में भी यूज कर सकते हो. इसके अंदर एक कंफर्टेबल कुशन सीट भी दी गई है जिसमें बेबी आराम से बैठता है, तो बेबी इसको एक्चुअली बहुत ज्यादा एंजॉय करता है. एंड गाइस, लास्ट, जो हर मदर चाहती है कि मेरे को धोना आसान होना चाहिए, तो ये बिल्कुल हैंड वॉश है, आप इसे इजीली धो सकते हो. तो मुझे तो ये काफी पेरेंट फ्रेंडली लगा, बेबी फ्रेंडली लगा, काफ़ी इजी टू यूज़ लगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज माय चॉइस. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इसे चेक कर लीजिएगा. अमेजोन पे आपको ये इजीली मिल जाएगा, आप खुद भी वहां जाके रिव्यूज़ और रेटिंग्स चेक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि बेबी कैरियर हम यूज़ करना कब से स्टार्ट करें. सो देखिए, आइडियली आप बिल्कुल न्यूबॉर्न स्टेज से भी एक बेबी कैरियर यूज़ कर सकते हो, बट उस टाइम पे जो बेबी कैरियर्स यूज़ होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, वो मोर लाइक बेबी रैप्स होते हैं. सो बेसिकली एक बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रेची कपड़ा होता है जिसको आप अपने आसपास रैप करते हो इन अ पर्टिकुलर वे, और उसमें आप अपने बेबी को होल्ड करते हो ताकि बिल्कुल बेबी ऐसा फील करे जैसे वो आपके वूम्ब में था. बट वो एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, उसके आप वीडियोस देख सकते हो, आप इंटरनेट पे उसके बारे में पढ़ सकते हो, और रैप्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं. इनफैक्ट बाहर तो रैप्स बहुत ही ज्यादा यूज भी होते हैं. बट बेबी कैरियर के लिए मैं बोलूंगी कि आपका बेबी जब अराउंड 3-4 मंथ्स हो जाए, जब उसको बेसिकली नेक कंट्रोल आ जाए, तब आप बेबी को कैरियर में डालो, स्पेशली अगर आप आउटसाइड फेसिंग करने वाले हो. अगर आप इनसाइड फेसिंग करने वाले हो तब तो ठीक है, बेबी की गर्दन आपके बिल्कुल पास है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो. मेन चीज ये रहती है कि गर्दन पे झटका नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि जब नेक कंट्रोल आ जाए तो उसके बाद बेबी को कैरियर में डालो और आराम से घूमो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेबी को कितनी देर के लिए कैरियर में रखना है. सो गाइस, आइडली इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, बिकॉज बेबी कैरियर्स अगर आप अच्छे लेते हो जैसे कि ये है, तो ये काफी कंफर्टेबल और सेफ होते हैं. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अराउंड 30-45 मिनट्स मैक्स नूर को कैरियर में रखते हैं. तो जैसे पार्क जा रहे हैं या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, या हमें पता है हम थोड़ी देर में वापस आ जाने वाले हैं, या घर में उसको बेबी कैरियर में बिठा के डांस करना है, मस्ती करनी है, तो हम 30-45 मिनट्स रखते हैं. उसके बाद उसे थोड़ा निकालते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं, क्योंकि लेग्स जो है वो बेबी कैरियर में थोड़ा खुली होती हैं, तो उसकी पोजिशन को बेसिकली चेंज कर देते हैं, और उसके बाद वापस उसे कैरियर में 10-15 मिनट बाद डाल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या बेबी कैरियर यूज करने की जरूरत है भी या नहीं. तो मुझे एज अ पेरेंट लगता है आफ्टर 2 किड्स की डेफिनेट
डेफिनेटली बेबी कैरियर आपके एक मस्ट हैव में आना चाहिए। ये बहुत तरीके से आपको भी हेल्प करता है और आपके बेबी को स्पेशली हेल्प करता है। जब आप बेबी को कैरियर में डालते हो तो बेबी आपके बिल्कुल पास होता है, तो बेबी काफ़ी सिक्योर फील करता है, काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। एक सेपरेशन एंजाइटी जो बच्चों को होती है वो बहुत कम होती है। बेबीज़ काफ़ी इंजॉय करते हैं, इनफैक्ट जब वो आपके साथ लगे हुए होते हैं तो उनका जो बाहर का व्यू होता है वो इतना अच्छा होता है कि वो उसको बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, उनको सब चीज़ें दिख रही होती हैं। नहीं तो जब आप बेबीज़ को प्रैम में लिटाते हो तो वो सिर्फ ऊपर का व्यू इंजॉय कर पाते हैं, एक सामने का नहीं कर पाते। तो दिस गिव्स देम अ डिफरेंट व्यू, कभी प्रैम में डाला कभी बेबी कैरियर में डाला। तो इस तरीके से बच्चों को लेके ट्रैवल करना, मूव अराउंड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड फॉर अ पेरेंट इट लिटरली फ्रीज यू। आप कितने सारे काम बेबी कैरियर में बेबी को डाल के कर सकते हो। मुझे याद है कई बार सौरभ बेबी कैरियर में कबीर को डाल के साथ साथ अपना कुछ कुछ काम कर रहे होते थे एंड कबीर भी डैडी के साथ इंजॉय कर रहा होता था। तो इट गिव्स यू टाइम टू टॉक, इट गिव्स यू टाइम टू मूव, यू आर जस्ट फ्री, सो यू रियली हैव फन। सो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस बेबी कैरियर रिलेटेड आंसर कर दिए होंगे। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर देम। इस कैरियर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया गाइस, बाय।